तारीख 25/1/99 पूज्य श्री युगल जी नु प्रवचन श्री शांतिबाई ना घरे। बोला है आपने सीधा नहीं, सीधा कौन करता मुझे वाला, ये नहीं बोलने वाला, नहीं बोलने वाला सीखा दे मानना कि गैस हूँ, ऐसा अहम करना कि गैस हूँ, स्वीकार का तो यही होता है, मंजूर करना, स्वीकार करना, मानना, अहम करना, वेदन करना, वेदन से आ गया समझ, वेदन से वेदन करना हो आत्मा वेदन करना ठीक है ना, मानना वेदन करना, बोलना नहीं वेदन करना, वेदन तो जो वेदक है वो वेदन करेगा, अंतरंग अभिप्राय का दोष जो विख्यात है वो कैसे करें, अंतरंग अभिप्राय का दोष जो मिथ्यात्व है कैसे करें, मिथ्या दृष्टि की उपयोग की स्थिति क्या है और साधक होने बाद उपयोग की स्थिति क्या है, और इंद्रिय ज्ञान और अतिय ज्ञान की क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं, क्या एक में क्या है, हाँ वो सर है अंतरंग अभिप्राय का जो जो मिथ्या कहते हैं वो कैसे कैसे चले, अंतरंग अभिप्राय में जो अपना शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूँ, वही मेरा है, उसको छोड़कर जितना कुछ विकल्प होता है, मानना होता है, जानना होता है, तो सारा ही सारा दोष है, अन्य के साथ अहम रूप और अन्य के साथ एकत्व, अन्य को अपना ज्ञान नहीं, नियम से होता है, जब तक अपने चैतन्य में अहम और अपने चैतन्य में एकत्व न हो, दर्शन और ज्ञान का, श्रद्धा और ज्ञान का, जब तक जितना कुछ होता है, जितनी भी परिणति होती है श्रद्धा और ज्ञान की, उसे पर के साथ, पर भावों के साथ, उसे चैतन्य से अनमेल जो जो भाव है, चाहे वो शुद्ध भाव है, उनके साथ अहम रूप और ये अभिप्राय का दोष होना चाहिए, वो शुद्ध चैतन्य गैस के साथ एक तो ऐसे चले, ये जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के संबंध में पहले विचार करें, ये मेरे साथ निकटतम जो शरीर है ये भी नहीं रहता, और इससे संबंधित जो सारा लोकल हो, इसी से संबंधित सारा लोकल, उनमें से एक भी कभी मैं सबके पास गया लेकिन किसी से मुझे सहारा नहीं मिला, ऐसा जानकर सारा जगत कराया है, इससे मुझे कुछ लेना नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, बस ये ज्ञान करके, ये ज्ञान पक्का हो गए निषेध रूप, तो फिर जो विधि रूप पॉजिटिव जो ज्ञान है उसमें केवल एक अकेला चैतन्य ही रहता होगा, तो ज्ञान चैतन्य की ओर फैल जाता, अगर इस तरह चलता चैतन्य का स्वरूप जानी थी, उसका स्वरूप जाने बिना उसकी सत्ता के निश्चय के बिना, पहली बात थी उसकी सत्ता है विश्व में न्यारी अलग थलग एक,
और उसके साथ में कैसा है वो ये जाने, कैसा है मैंने अनंत वैभव संपन्न है, यहाँ आके बात पूरी हो, मैंने उसमें कोई कमी नहीं है, कोई आदान प्रदान की गुंजाइश नहीं है, विनाश का कभी विनाश की गुंजाइश नहीं है, विनाश कभी होता नहीं है, जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, यदि सारे उसके जो गुण हैं उनको विचार करके निश्चय करें कि निश्चित रूप में मैं एक चैतन्य सत्ता ऐसी इस विश्व में एक महान सत्ता बल्कि सर्वोत्कृष्ट सत्ता, क्योंकि मेरी यदि सत्ता जगत में दूसरी नहीं है, ये अगर हृदय से प्रीतिपूर्वक निश्चय करे तो ज्ञान और श्रद्धा जो डल जाते और अनुभव हो जाता है मेरे जो करता है, सारे दोष गिने नहीं जाते, सारे दोष गिने तो अनंत काल बीत जाए। सबसे बड़ा दोष ये है कि चैतन्य का जो आदर्शन है ये सबसे बड़ा अपराध है, उसको अशुद्ध मानना ये सबसे बड़ा अपराध है, तो किसी में मिलाना मिलाकर अनुभव करना ये सबसे बड़ा अपराध, तो अन्य के साथ जोड़ना ये सबसे बड़ा अपराध, इस तरह अनेक रूप होते हैं। तो कितना सामान्य जानकर केवल इस चैतन्य का स्वरूप निश्चित करे जानने वाला ये जो स्पष्ट मेरे अनुभव में आ रहा है अन्य का अनुभव तो कर ही लेता है, लेकिन मेरे अनुभव में जो जानना अनुभव में आ रहा है बस यही है चैतन्य, यही है आत्मा, यही है ज्ञायक, ऐसा निश्चय किया, ये सत्ता का निश्चय हो गया। सत्ता का निश्चय करके जिनवाणी और सद्गुरु के अनुशीलन पूर्वक उनके बीच के गुणों का विचार करेगा निश्चित रूप में, मैंने गर्व होनी चाहिए सबसे पहली बात, गर्जी बनकर अगर करता है और केवल शुष्क विचार करता है तो कुछ नहीं हो, इस विचार में सरसता हो, प्रसन्नता हो, उत्साह हो, कोई भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, सर्व चिंताओं से मुक्त, सर्व भय से मुक्त, इस तरह ज्ञान के गुणों का और उसकी सत्ता का विचार करता हुआ अंत में निश्चय हो जाता, मेरे भी कभी संवेदन होता है ये अभिप्राय का कुछ चलिए चलना संबंध है, उसके साथ क्या संवेदन होना संबंध है, उसके साथ चारित्र का जो अंश स्वरूप आचरण जागरूक होता है चाहे तीनों एक साथ होगा। तो दोष की जो बात है उसको बहुत लंबा नहीं करना, क्योंकि दोष तो अनादिकाल से हो ही रहे हैं और ये अनंत बार हुए हैं, अनंत बार और बदल बदल कर, कभी शरीर में, कभी कर्म में, कभी राग और द्वेष में, कभी पाप और पुण्य में, और कभी जगत के पदार्थ, इस तरह से निरंतर बदल बदल कर मिथ्या श्रद्धा, वही अभिप्राय का दोष मिथ्या श्रद्धा तो होती गई, उसमें से ऐसा जानकर कि सत्य सभी झूठे हैं, कल्पना प्रतीत है, भ्रम है, ऐसा समझकर मेरा ज्ञान विद्यमान सत्ता है और अनंत वैभव संपन्न है, समृद्धिशाली है, इसमें कोई कमी नहीं है, जगत से कुछ लेना नहीं है, जगत को कुछ देना नहीं है, इतना निरपेक्ष है ज्ञान भी और आत्मा भी, ज्ञान जानदार होगी स्वीकार करता, ज्ञान की पर्याय भी ऐसी है वज्र गिर गई दीवारों की एक समय की पर्याय भी वज्र जैसी है, उसमें भी उसकी कल्पनाओं तक का प्रवेश नहीं है, कल्पनाओं तक का प्रवेश, हाँ कल्पना की जो दिशा है वो कहाँ आते हैं, इसलिए कल्पना झूठी है ना, अच्छा चिंतन में सरसता होनी चाहिए, साथ साथ ये सोचता है तो ये एक समय विशेष के लिए कार्यक्रम बनाकर सोचता है, कार्यक्रम का ये काम नहीं है, ये टाइम टेबल नहीं है, इसमें टाइम टेबल नहीं होता, ये तो बिना ब्रेक के 24 घंटे होने वाला काम है, तो कभी भी जब पुरुषार्थ तीव्र होगा अनुभूति हो जाएगी,
मैंने ये चिंतन ज्ञान से जो ये बात स्थिर हुई है वो तो हमेशा बैठी रहती है, चाहे उपयोग बाहर हो चाहे उपयोग भीतर। चिंतन कर रहा, चिंतन नहीं करता है तो भी इसने सर्वोत्कृष्ट सत्ता इसको मान लिया, सर्वमहान तत्व विश्व का मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने आज तक कुछ दिया नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, और अपने अवलंबन पर अपने सामर्थ्य के बल पर आज तक मैं रहा हूँ, मेरी सत्ता रही है। उसको तोड़ने फोड़ने का मैंने भी प्रयत्न किया और अन्य ने भी प्रयत्न किए, लेकिन उसको आँच नहीं है, ऐसी सत्ता है। तो प्रसन्नता वो भी इसे जैसे किसी ऋषि का वरदान किसी को मिल जाए, किसी एटम बम में भी नहीं मरेगा, तो ऐसा वरदान है इसे उसको सुना दिया मैंने, तो प्रसन्नता नहीं होगी। जिस लोक में होता है वो धन का ढेर अपना एक बार सारा का सारा इकट्ठा करे और उसको देखे, वहाँ प्रसन्नता बुलानी पड़ती है या ज्योतिषी से पूछना पड़ता है, अपने आप आ जाती है, मानता है उसको, आत्मा मानता है, ढेर को आत्मा मानता, मिट्टी सब मिट्टी है, सब चैतन्य के अतिरिक्त इसमें अनुपात नहीं है। चैतन्य सर्वाधिक है, दूसरे थोड़े कम है, थोड़ा कम नहीं कोई, बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़ा भी कुछ नहीं है, सब कुछ सर्वस्व नहीं है। ये जान जानने को तैयारी हो तो ठीक, और एक सवेरे उठ के थोड़ा सत्या कर लिया और थोड़ा चिंतन कर लिया, गया हूँ आगम का वाक्य रख लिया और वो आधा घंटा घंटा और पूरा कर लिया, उसके बाद और काम मिला, क्योंकि ब्रेक हो गया, टाइम टेबल हो गया। ये टाइम टेबल का काम थोड़ी होता है, सबसे महान पदार्थ जब अपन ने स्वीकार किया तो उसके लिए टाइम टेबल होता है क्या? उसके लिए ये होता है कि सदा ही इसमें विहार करता रहूं, सदा ही लीन रहूं इसमें और अमृत के प्याले पीता रहूं, ये होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक बार किसी पूर्वक ये बात स्वीकार कर ले तो उसको चैतन्य की महिमा आ जाती है और वो महिमा निरंतर पड़ी रहती है, और बाहर का व्यवसाय भी चलता रहता है, करता तो ये है ही नहीं, इसे समझ चुका है, तो करता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बाहर का व्यवसाय भी चलता रहता है सारा, व्यवहार रूप जो भी है वो चलने पर भी वो खिसकती नहीं है भीतर से, उसकी जो महिमा में बैठी होगी। इस तरह कभी चिंतन में भी लीन होता है तो कभी बाहर के व्यवहार में भी चला जाता है, पर होता ही चिंतन में लीनता की समय ही है। चिंतन ऐसा हो कि अंतर लीन हो जाए, एकदम जाए की जाए उसमें से स्वर निकले, तो अंत में वो चिंतन भी विराम लेकर अनुभूति हो जाती, स्वरूप का चिंतन भी विराम लेकर। हाँ, चिंतन तो विराम लेगा ही, क्योंकि चिंतन तो रास्ता विकल्प, उसका ज्ञान का विकल्प है, ज्ञान का विकल्प तो वो तो तरल है, चंचल है, और आत्मा की अनुभूति इस तरह से होती नहीं, स्थिरता में अनुभूति होती है, चंचलता में नहीं होती, क्योंकि विचार जो है वो चंचल है। लेकिन प्रसन्न भाव रहता है, कोई भय नहीं रहता, भय के चारों ओर भले ही भय के साधन हो, भयानक वस्तुएं चाहे आस पास पड़ी, लेकिन भय नहीं रहता चित्त में, एकदम जो मरता ही नहीं है उसको भय क्या है, जिसको कभी चोट ही नहीं लगती, जिसको वो छूता ही नहीं है उसको भय क्या, छूता ही नहीं जिसको कोई, उसको क्या भय, निर्भय होकर प्रसन्न भाव से विचार करता है। विचार क्योंकि वो विचार का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है, सेवन करने का स्वाद लेने का विषय है, तो खाली विचार की वस्तु नहीं, विचार में वस्तु नहीं आती, पर वस्तु का विचार अवश्य होता है, विचार में वस्तु नहीं आती, वस्तु का विचार अवश्य होता है, विचार के बिना वस्तु मिलती नहीं है और विचार से वस्तु मिलती नहीं है।
विचार होगा ही होगा, आएगा ही आएगा, और बीच में व्यवधान बनकर आएगा। ये भीतर से भी व्यवधान मानता है, बाहर से अनुराग पूर्व करता है, बाहर से उदास मन से नहीं करता, रोए रोए मन प्रसन्न चित्त करता है। चिंतन चिंतन में वो है ना, चिंतन में ये विचार थोड़ी देख रहा है, चिंतन में भी वहाँ वो है लक्ष्य विचार करने। इस तरह महिमा बढ़ते बढ़ते अंत में वो थम जाता है विचार, अनुभूति दूसरे स्थान अनुभूति हो जाती है। बर्फ बनने की प्रक्रिया होती है, बर्फ बनने जैसे पानी है, जैसे वो पानी है तब तक उसमें तरंगें होती रहे, और इसके बाद उसका बर्फ बनने लगता है, तरंगें कम होने लगती है, और जब पूरा बर्फ बन जाता है तब तरंग बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे विचार की स्थिति होती है, पहले खुलता है कि उसके बाद सूक्ष्म होता जाता है, फिर अनुभूति में बन जाता है घनत्व, उसका स्वादन होता है। लेकिन वो जो ऐसा स्वादन है उस पर भी इसका लक्ष्य नहीं, ऐसा स्वादन से जो आनंद आया उस पर भी इसका लक्ष्य नहीं, वो सब पर कोटि में है, पराई कोटि में, स्व की कोटि में नहीं, स्व की कोटि में एक मात्र चिन्ह मान उस आनंद को भी ये नहीं चाहता है, जो आनंद पैदा हो उसको नहीं चाहता, उसे ध्यानता नहीं, लेकिन फिर भी जानने में आ जाता है, ज्ञान की ताकत है, क्योंकि नया काम हुआ है उसका जो फल है वो अगर जानने में नहीं आ गए तो इसको कैसे बोध होगा कि कोई नई चीज नहीं है, नया काम हुआ, शादी हुई है घर में तो कुछ तो दिखना चाहिए रक्षण को, इसीलिए आनंद का जन्म होता है, लेकिन फिर भी ये उधर लक्ष्य उपयोग को घुमाता नहीं, उपयोग में जाता नहीं, उपयोग वही रहता है तब तक तो आनंद रहता है, और उपयोग वहां से टिका और आनंद भी कपूर हो जाता है, शांति रहती है, शांति प्रकट हुई है, कुछ प्रकट हुआ है, कुछ गुण प्रकट हुआ है, उसका तो हमेशा रहता है, लेकिन वो जो आनंद जिसको अपन कहते हैं सारे गुणों की पर्यायों का निचोड़ जिसे एक पेय होता है, पीने वाले बना है, उसका जो स्वाद होता है हम उसमें गिनती नहीं करते हैं, उसको पीते समय मात्र आनंद हो, उसके पहले जरूर विचार क्या क्या चीजें इसमें डालनी है, क्या क्या चीजें हैं, इस तरह उनकी महिमा करता हुआ उसमें वस्तु की महिमा में लीन हो जाता है। सरसता आती नहीं ज्ञान में, जैसे कोई वस्तु खाते समय अथवा कोई वस्तु अपनी मनचाही मिली है उसे देख कर जो सरसता ज्ञान में आती है, वो सरसता आत्मा का विचार करते समय नहीं है, शुष्क हो जाता है, शुष्क जैसे मेरे यहाँ कितनी हुआ है दूसरे के घर में तो शुष्क हो जाता है, उसका स्वयं का ज्ञान विचार करता है तो विचार शुष्क होता है, विचार जो है वो सरस होना चाहिए, लबालब एकदम विचार भी लबालब होता है, प्रचंड भाव से बराबर, प्रचंड भाव से बराबर विचार शक्ति का जो विचार आत्मसंयुक्त का होता है वो सत्य लबालब होना चाहिए, अत्यंत प्रसन्न विचार भले ही उसमें उपद्रव हो लेकिन हिलता नहीं, उपद्रव नहीं उस समय भी नहीं होता है, विचार के समय और तो और भी अनुभूति होगी उस समय तो कोई सिद्धि हो गया परमात्मा बराबर, लेकिन उस समय भी विचार के समय भी हिलता नहीं है, उपद्रव में तो भी नरक में हो तो भी दास में नरक में हो तो इतना इसको प्रसन्न भाव होता है उसका, तो उसके जो उपयोग है वो प्रसन्न भाव में चल रहा है तो उधर उनका उनका अनुभव कौन करेगा, वो तो यही करें यही इसका ही अनुभव नहीं है तो वो अनुभव कहाँ से होगा, वो तो मारो काटो दुखी का अतिरिक्त सत्ता का देह से ही जब अत्यंत आत्यंतिक जनत्व है बराबर निश्चय कर लिया और उपयोग को इससे मोड़ लिया, सर्वथा मोड़ दिया, सर्वथा उपयुक्त
ईश्वर जो हो रहा है उसका कैसे नहीं, जब इसका ही वेदन नहीं तो उनका क्या होगा। ये विचार करते तो विचारों में प्रसन्नता आती है, करने वाले देखे कि कैसी प्रसन्नता है, कोई विलक्षण है या नहीं, अलग जाति की है या नहीं, प्रसन्नता का मतलब ये प्रश्न है लगे उसको नहीं कहते, भीतर से प्रसन्न देखो, ठीक है, ज्ञाय की याद आते ही भीतर से चित्त प्रफुल्लित हो जाए, अत्यंत प्रिय वस्तु की तरह, इसी कहते मिथ्या दृष्टि की उपयोग की स्थिति क्या है। मिथ्या दृष्टि का उपयोग भी यदि वास्तव में देखा जाए तो जिन कल्पनाओं में वो लीन है केवल ही उन कल्पनाओं से वो मिथ्या है, इन कल्पना के जो विषय हैं वो उपयोग में नहीं आते, वो ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, तो अगर इतना का विचार कर ले तो भी उपयोग निर्मल हो गया क्योंकि वो कल्पनाओं को छोड़ गया, तो इसके अलग जब मैं जितनी कल्पनाओं में उद्यम करता हूँ वो व्यर्थ जा रही है सब, और एक ही पता है भीतर नहीं आता, आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, इसकी स्थिति तो यही है कि निरंतर कल्पना में लीन रहता है, पर पदार्थों की पर भावों की धर्म के इधर इस क्षेत्र में आ गए तो नव तत्वों की कल्पनाओं में लीन हो गई, मोक्ष की कल्पना में लीन हो गई, संसार की कल्पना छोड़े मोक्ष की कल्पना में लीन, एक दिन अवश्य मोक्ष हो जाएगा, अब तो आत्मा का विचार आने लगा, अब तो आत्मा का विचार कर रहा हूँ तो अवश्य मोक्ष हो जाएगा, अब इस दिन मोक्ष प्रिय है मुक्त प्रिय नहीं है, प्रिय है। एक स्थिति तो ये है उपयोग की मिथ्या दृष्टि, दूसरी स्थिति जो भी अपन ने सोची जिसको अनुभूति होने वाली है उसके पहले उपयोग की स्थिति जो चिंतन रूप होती है वो है मन वाले अनुभूति। मिथ्या दृष्टि की उपयोग की जो बात कही वो तो सैनी पंचमी तक एक इंद्री से लेकर सैनी पंचमी तक चलती है, और वो केवल सैनी पंचमी के मन वाले अनुभूति जिसका भी अपन ने अनुभूति तक की बात की केवल मन वाले कारण ये सब तो सर मिथ्या दृष्टि एक ज्ञानी साथ ये उपयोग की स्थिति जैसे एक इंद्री है उसके पास केवल शरीर है बस शरीर में ही उसके भीतर है निरंतर एक इंद्री कष्ट का अनुभव होता है, तेज गर्मी हो तो कष्ट का अनुभव, तेज सर्दी हो तो कष्ट का अनुभव होता है, मुरझाता है तो कष्ट का सब होता है, एक एक पत्ते पत्ते को पत्ते में भी कई जीव तो शरीर से संबंधित है ना अनिष्ट इष्ट सब होता है, मन नहीं है ये तो ज्ञान तो है ना, इतना सा ज्ञान भी या फिर वेदन कितना करता है खुद का ज्ञान थोड़ा है खुद का वेदन कितना होता है, मिथ्या दृष्टि के उपयोग की ऐसी स्थिति रहती है चंचल वेदन कल्पनाओं से भ्रम से भेजने, और साधक होने के बाद उपयोग की स्थिति क्या, साधक होने पर पहली स्थिति जो अंतर्लीनता और आत्मानुभूति स्वसंवेदन होगा, और उसके बाद उपयोग जैसे सबसे पहले तो उत्सम संवेदन होता है तो उसकी स्थिति केवल मध्यम अंतर्मुख, अंतर्मुख समाप्त होते ही और वो बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग चला जाता है, बाहर के पदार्थों की ओर जाने पर भी संवेदन में भी छूटा नहीं है मैंने शोषण हो गया है ऑप्शन एक से, तो बाहर के पदार्थों की ओर जाने पर भी उनमें एकत्व कभी नहीं है,
और आत्मा की जो प्रतिष्ठा गौरव है, गरिमा है, उसमें कभी कमी नहीं आती। क्योंकि वो तो उसने हृदय में बिठा दिया है ना, तो सदा के लिए ज्ञान में बैठ गया है ना, तो अनुभूति होगी जो सदा के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान पर वो बैठ गया है, एक उपास्य देव की तरह। इसलिए बाहर के पदार्थों में भी जाता है क्योंकि कमजोरी है। तो कितने ही रहता है कि मैं यहां से न हटूं, इतना होने पर भी क्योंकि अभी है कमजोरी तो उपयोग चला जाता है, बाहर चला जाता है, मैं बाहर के पदार्थों को लक्ष्य कर लिया, चला नहीं जाता, जैसा वो आत्मा में ही है, लक्ष्य बाहर के पदार्थों की ओर चला जाता है, बाहर के पदार्थ उसे बनने लगते हैं। तू भी पराए हैं, मैं नहीं हूं, और भीतर जो बैठा है चिन्मात्र तत्व वो मैं हूं, ये बात कभी भी, ये तो उपयोग की बात है। उस समय जैसे मैं तुम निरंतर है चिन्मात्र पढ़ना नहीं करो, रिश्ता अंतर्मुख और बहिर्मुख जो प्रकार का, ठीक है। तो दोबारा अनुभूति हो जाए, तीसरी बार हो जाए, चौथी बार हो जाए, नियम नहीं करो, छह महीने पहले हुई। अब आगे है, और इंद्रिय ज्ञान और अतिंद्रिय ज्ञान की क्या स्थिति है? इंद्रिय ज्ञान असल में होता ही नहीं, पहली बात तो सारे ज्ञान अतिंद्रिय है, जितना भी है निरोध से लगाकर सिद्धों तक, क्योंकि ज्ञान की इंद्रिय होती नहीं। इसलिए पहली बात तो ये कि इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं। अब इंद्रिय ज्ञान इन संयोगों की ओर से माने हम पांच प्रकार के और मन का जो संयोग होता है, तो इधर तो ये संयोग होता है, उधर वो ज्ञान या पार करता है। तो कमजोर तो कमजोरी का लक्षण है ये, कि जैसे स्पर्शन है, रचना है, ये इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों के होने पर उसका व्यापार किसमें होता है? स्पर्शन इंद्रिय है केवल एक इंद्रिय, तो आठ प्रकार का उसका व्यापार, हल्का भारी, ठंडा गर्म, रूखा चिकना, कड़ा गर्म, हुआ कहता है शरीर को लक्ष्य बनाकर। और जो आगे ज्ञान बढ़ता है तो विषय बढ़ते जाते हैं, उनमें व्यापार होता है। तो ये तो क्योंकि वो इंद्रियां हों तभी वो ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां सर्वथा जड़ है, इसलिए उनसे बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इंद्रिय ज्ञान नाम इसलिए दिया कि इंद्रियां होती है तो ज्ञान प्रवर्तमान हो सकता है, होता है ये नियम में हो सकता है। अभी पांच इंद्रियां मन है अपने पास, लेकिन एक एक की प्रवृत्ति होती है, कहा इनके अधीन का उन्हें सारे ज्ञान होने के हो जाते हैं, लेकिन इनके अधीन नहीं होते। तो इसलिए क्योंकि इंद्रियां उसमें नियमित होती है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान से वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, अति इंद्रिय ही होता है, तो उसके निरोधी अभी भी इंद्रिय नहीं है। माने वो अलग बात है, माने वो तो सब झूठ है, तो होता नहीं। इंद्रिय ज्ञान की स्थिति भी यह है कि वो सदा केवल इंद्रिय जो विषय है इंद्रिय ज्ञान के, उनमें ही व्यवसाय किया जाता है। इंद्रिय ज्ञान उसकी गैस का पता नहीं, इंद्रिय ज्ञान एक दूसरा, जैसे अनुभूति हो जाए, सम्मेदन हो जाए, तो फिर भी इंद्रिय ज्ञान तो प्रवर्तित होता है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान पराई कोटि में रहता है, परस्पर ही कोटि में रहता है, इसलिए व्यवहार हो सारा का सारा है सम्यक, क्योंकि परस्पर की कोटि में रह गई है, इसलिए है तो सम्यक, लेकिन है व्यवहार तो इसको संवेदन देती है। स्वसंवेदन है वही निश्चय से निश्चय संवेदन वास्तव, ये तो इस समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की थी, जो मिथ्या दृष्टि है सदा ही उसके तो इंद्रिय ज्ञान ही प्रवर्तित होता है। जो सबक जो है या कुछ भी हो, ग्यारह नौ पूर्व तक पढ़े तो भी इंद्रिय ज्ञान है सारा, और आत्मा का स्वरूप यथार्थ ज्ञान का
यथा से जानता है, आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा जानता है जनवाणी के अनुसार। लेकिन प्रकृति में जो स्नेह और प्रेम होना चाहिए वो उसको भीतर से नहीं आता, भीतर से पैदा नहीं होते थे कितना ही ज्ञान है, इसलिए सारा शुष्क ज्ञान है, वो भी इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान तो वो आत्मानुरूप ही होता है। ज्ञानी को भी दोनों हो जाते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया अनुभूति के समय, और इंद्रिय ज्ञान जिस समय अनुभूति में नहीं होता और उपयोग बाहर की ओर होता है तो उस समय ये पता विषय बनते हैं। लेकिन सभी पर हैं ये एक बार निश्चय कर चुका, इसलिए पर है ये कोई कहना नहीं पड़ता या विचार नहीं करना पड़ता, लेकिन पर जानता हुआ व्यवस्थित होता। और महिमा जो है एकमात्र उस समय भी शुद्ध चैतन्य की पड़ी है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान का। तो अज्ञानी को केवल एक ही होता है इंद्रिय ज्ञान, ज्ञानी को दोनों। राजीव का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कूटस्थ है और वेदन पर्याय को होता है, तो एक है दृष्टि का विषय और एक है ज्ञान का विषय, जिसमें मुख्य गुण कैसे होता है। दोनों ही मतलब एक ही दृष्टि और ज्ञान का विषय है, ऐसा नहीं एक दृष्टि का विषय है और एक ज्ञान का विषय। कूटस्थ भी है वो, निष्क्रिय भी है वो, लेकिन संपूर्ण भी है। ये तो नेगेटिव है सर, कूटस्थ है निष्क्रिय है लेकिन संपूर्ण है, समृद्धिशाली है, महान है, इससे बड़ा जगत में कोई नहीं है ऐसा जानता है। तो वेदन और वेदन पर्याय में होता है, ये बात सही है। पर्याय में जो वेदन होता है तो ज्ञाय तो ज्ञाय की जगह रहता है, ध्रुव जो का क्यों अपने स्वरूप में रहता है, ठीक वैसा का वैसा ज्ञाय का आकार पर्याय होता है। पर्याय में रचना होती है ना, जैसे पदार्थ के संबंध में अपन कहते हैं, जैसे वैसा का वैसा जैसा पहले विचार कोटि ने निश्चय किया था और निर्णय किया था कि निश्चित रूप में चैतन्य का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, क्योंकि उसे निकालना पड़ता है इतनी धमार में, इतनी धमार में फंसाया हो, इतनी धमार में, इतनी धमार में फंसाया हो, शरीर है कर्म है और सारे संयोग है, परिवार है, भाव कर्म है, राजद द्वेष है, पाप पुण्य है, वो कितना है, मैंने एक और सारा रोका लो और एक और वो आत्मा इनके बीच में फंसा था, उसको उनमें से निकालना ये ज्ञान का काम है। तो वो सबको अपने लक्षणों से देखता है, राग का जो लक्षण है वो जो उद्गल दिव्य का है, उद्गल दिव्य जैसा है, तो राग आत्मा का है ही नहीं, वास्तव में नहीं है, ज्ञान का भी नहीं, ज्ञान में भी नहीं आता, ज्ञान से भी बाहर जा रहा सदा, इसलिए वो आत्मा का हिस्सा नहीं है। तो आत्मा का हिस्सा नहीं ऐसा जीव है, अचेतन है और हमेशा ही उद्गल के साथ आता है और उद्गल के साथ चला जाता है, इसलिए भी आत्मा का नहीं, तो पौजलिक है वो सारा। उनमें से इस आत्मसत्ता को ज्ञान लक्षण से पहचान कर ये मैं हूँ ऐसा निश्चय करे तो अनुभूति होती है। तो और वो कूटस्थ और निष्क्रिय जो है ना, तो कूटस्थ और निष्क्रिय वो पर्याय में जो ज्ञाय का साथ दिखाई देता है वो भी ठीक वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, जैसा ज्ञाय का स्वरूप है ध्रुव निश्चल अकम्प निष्क्रिय, ठीक पर्याय में भी तो वैसा का वैसा ही होता है। और पर्याय जो वेदन करती है उस वेदन का स्वरूप ये कि मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही निष्क्रिय कूटस्थ अचल निष्कम संपूर्ण ज्ञायक हूँ, ऐसा पर्याय का स्वरूप मैं वेदन करती हूँ ऐसा नहीं होता। श्रद्धा भी वही लग गई, यदि ज्ञान जो है वो वेदन में तल्लीन है, ज्ञान वेदन में तल्लीन है, संवेदन श्रद्धा जीवन आदि श्रद्धा ने पूजा कर दी, स्वयंवर होता है ना, कभी स्वयंवर की कथा थी, स्वयंवर में जैसे सीता का हुआ स्वयं,
तो जो प्रतिज्ञा थी तो कई राजकुमार है और राम लक्ष्मण जी के अपनी यह कथा है नहीं मुझे नहीं जानी, लेकिन है ये कथा जैसे तक कथा समझ नहीं आता, अपने भी बड़े काम थे कि सब आए सारे। अब वो जो है तो सबको देखती है वरमाला हाथ में और सबको देखती है, लेकिन अब जो प्रतिज्ञा पूरी करेगा मैंने जो सबसे ज्यादा शूरवीर होगा तो उसी के गले में जयमाला वरमाला जाएगी। तो वो जो राम उस प्रतिज्ञा को पूरी कर देते हैं तो वरमाला, तो पहले के ज्ञान ने तो देखा और ये जो वरमाला एक के एक पर समर्पित होकर वरमाला उसके गले में गई इसका नाम सम्यग्दर्शन है। और ज्ञान सबको जानता और इसको स्वरूप में आप जाना, जो ही वरमाला डाली सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दूसरा नंबर होता है ना। आचार्य ने कि तुमने तो ज्ञान को पहले लिया और मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का नंबर होता है, तो वरमाला डली बजी एक के गले में डली एक के और बाकी सब अदृश्य उस समय, और ये सम्यक दर्शन उसके साथ ही जो है आनंद का वेदन वो ज्ञान। पर्याय में होता है इसका अर्थ यह है कि वो पर्याय रूप होकर भी पर्याय की अनुभूति में ध्रुव के रूप में आता है, यह उसका स्वरूप। वो तो वास्तव में तो बन तो पर्याय गया है, लेकिन पर्याय बन जाने पर भी ये पर्याय उसको पर्याय से जो निरस्त हो गई है सारी तरह फिर ही निरस्त है, स्वयं जो अनुभव कर रही है ये तो ये तो उस अनुभव से भी निरस्त है और एकमात्र उस ध्रुव में ये केंद्रित है, इसलिए वो ध्रुव के रूप में अनुभव में आता है। यद्य भी है पर्याय तो पर्याय होने पर भी ध्रुव के रूप में हमें तो जरूरी हुई थी कि पर्याय तो सब निकल चुकी है बिल्कुल एक और उसमें ध्रुव ही पकड़ गया। अच्छा जिसमें मुख्य गुण कैसे होता है, मुख्य गुण कुछ नहीं होता, मुख्य ही यह गुण ध्रुव का शुद्धात्मा का अनुभव हुआ है बस मुख्य है और बाकी सब सब गौण सारी होता है। सम्यक दर्शन के विषय में तो गौण नहीं होता, सम्यक दर्शन के विषय में केवल एक ही होता है मुख्य, ज्ञान के विषय में मुख्य गुण होता है जो ऑल ओवर भी है बस इतना, लेकिन मेरे नहीं है मैं नहीं और है मैं नहीं हूँ और मेरे नहीं इसके अतिरिक्त क्योंकि सब इससे अनमेल और बेमेल है सारी होता इससे एक का भी मिलान नहीं, इसलिए पर्याय भी बाहर निकल गई मेरा भी इससे मिलान नहीं होता वो भी निकल गया और ध्रुव को बता दिए। ज्ञान का स्वरूप कैसा है, ज्ञान का काम जो जानना है ये तो प्रसिद्ध बात है जन्मानी, लेकिन जानने में ज्ञान हमेशा ही हे उपाधि पूर्व जानता है, ये हमेशा याद रखने की बात है श्रद्धा और ज्ञान के। श्रद्धा का जो व्यवसाय होता है चाहे निष्ठा दर्शन हो तो वो हमेशा उपाधि रूप होता है, अर्थात वो हर पदार्थ को हर भाव को मैंने हर तत्व को नौ तत्व में से हर तत्व को वो आत्मा ही मानती है। जो ज्ञान है वो भी ज्ञान का आत्मा ही है लेकिन उसमें ये भी है कि पर भी है कि पर भी, तो वो पर में ही दो वेद किया करता है। सच्चाई है कि जो मिथ्या ज्ञान है वो तो सारा का सारा वो भी पर में आ सकता है और ये श्रद्धा भी पर में आ सकता है, पर को आत्मा मानती है और वो ज्ञान जो है वो भी पर को आत्मा ही मानता है, आत्मा मानता है अथवा उसके अनेक रूप हो सकते हैं, कारण मानता है साधन मानता है कुछ भी मानता है जो कुछ भी मानता है लेकिन मानता आत्मा ही है एकत्व करता है।
लेकिन उसमें ये भेद हो जाता है मैं और मेरा ज्ञान में, तो श्रद्धा में केवल एक भेद होता है मैं, लेकिन मेरा नहीं होता। मैं और मेरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं, पर अनुभूति में मेरा ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें स्पेस है, चीज को सारा इतना सा भेद है। यही है ज्ञान का स्वरूप, यही उपाधि का जरूर ख्याल रखना चाहिए। हमेशा जो मिथ्या ज्ञान है वो भी यही उपाधि पूर्व प्रवर्तित होता है, जो मिथ्या श्रद्धा है वो भी उपाधि का पूर्व भी प्रवर्तित होती है। इसमें हे कहा जाता है, लेकिन हे नाम का कोई पहल नहीं है, परिणति नहीं होती है श्रद्धा में। और जो सम्यक होती है तो केवल जो ध्रुव है वही दोनों का विषय होता है, और इसमें दोनों की अहम दो प्रवृत्ति होती है। दोनों की नहीं, दोनों की श्रद्धा और ज्ञान, दोनों की अहम रूप होती है। श्रद्धा भी बोलती है मैं, ज्ञान भी बोलता है मैं, मेरा नहीं बोलता। मेरे में चिंतन हो जाता है, विकल्प हो जाता है, जिसे मेरा जो है उसमें आता है अपने कर्ता कर्म अधिकार में, जो मैं है वो जीव जीव अधिकार में। मैं करता और ये मेरे कर्म, मैं क्रोधी और ये क्रोध मेरा कर्म, ज्ञान हो जाता है कि मैं गया है तो ये ज्ञान मेरा कर्म, लेकिन मेरी भी कर्म ऐसा जानता हुआ कि क्रोधादिक मेरे कर्म नहीं, मेरा कर्म तो केवल ज्ञान है, यहाँ पुण्यम नहीं है। ऐसा जानता हुआ कि कुछ निर्विकल्प ना हो तब तक जाना नहीं, बराबर मेरे विकल्प नहीं हो, ये तो विकल्प है बराबर, तब तक निर्देश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। टीका में भी ऐसा आता है, उनको जानता हुआ आत्मा को जान, अपनी आत्मा को जानता मैंने, अगर केवल ये कह दिया जाए तो वो तो राज को केवल जानता है, क्रोध को केवल जानता है, क्रोध का जानना तो दुखदायक है, उसमें से क्या है क्रोध को जानना, एक बार जान लिए मेरा नहीं है, मेरे मैं नहीं है, मेरे से बाहर है, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा अवयव नहीं है, मेरा कोई तत्व इसमें नहीं है, अचेतन है, अजीब है, उद्गल है, ऐसा जान, ऐसा जानता हुआ आत्मा को जानता है। आत्मा को जाना तभी तो ये परत तो होगा, वास्तविक परत ये मैं हूँ, इससे अन्य जितने हैं ये सबके सब कराए, सब तरह परत में परिणाम को जान, तो आत्मा का आत्मा को जानता, आत्मा को जानता, वहाँ तो विकल्प ही है, वहाँ तो विकल्प, आत्मा को जानने का वही कर्म है, सतलू तो वही कर्म है, मन के रहेगा। हाँ नहीं, अपन ऐसे जान लेने कि ज्ञान मेरा कर्म है, ज्ञान मेरा कर्म है, तो यहाँ भी तो परिहार की समाप्त नहीं हुई ना, ज्ञान मेरा कर्म है नहीं, जानना मेरा कर्म है, तो वो परिणाम कहाँ हाथ आएगा, कर्ता वाले परिणाम, जिसने मेरा कर्म है उसका कर्म मान लिया इसने, तो जब उसमें कर्म है ही नहीं, उसमें निष्कर्म है, अपर्णन है, तो उसको पर्याय में गठित लाए, यहाँ तक भी क्षम में नहीं है मन अपराध,
यहाँ तक आता है ना कि ये जो क्रूरादिक है ये मेरे कर्म नहीं है और मैं तो मात्र इनका जानने वाला हूँ, क्रोध वो मेरे में नहीं, मेरे में आता नहीं, लेकिन क्रोध का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप मेरे ज्ञान में आता है। मैं उसको जानता हूँ, उस स्वरूप को मैं जानता हूँ, उस स्वरूप को मैं जानता हूँ। यहाँ तक भी पर्याय दृष्टि है, उस स्वरूप को मैं जानता हूँ। पर्याय दृष्टि हो गई, काम पर्याय का है ना, तो उसने वो क्या परिणाम को पढ़ना नहीं मान लिया बराबर, और निष्कर्म को कर्म वाला मान लिया। तो मैं जानता हूँ, जानना मेरा कर्म। असल में जो ध्रुव है उसका कर्म जानना भी नहीं, केवल ज्ञान भी उसका कर्म नहीं, कोई भी जानने वाली पर्याय उसका कर्म नहीं, क्योंकि स्वयं निश्चय कूटे तो निश्चय कहाँ हुआ, मुझे चल दिया, चल दिया। जानना तो क्रिया हो गई, वो तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। जानना मेरा कर्म है तो कर्म बन गया निश्चय का स्वभाव, रुक गया गई यहाँ। हाँ, न जाने का जरूर अपना जरूर यहाँ तक आएगा अवश्य, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और निर्विकल्प हो जाएगा, तब असली जानना होगा। अरे वाह, निर्विकल्प हुआ तब असली जानना, तब असली जानना हुआ तब जानने की तैयारी निकल गई। और मैं जानता हूँ वहाँ तक आएगा जरूर, वहाँ तक अवश्य आएगा, तो रुकी नहीं जाने का तो फिर क्या करेगा। उनको पराया नहीं जानेगा, अन्य नहीं जानेगा, मेरे नहीं है ऐसा नहीं जानेगा, क्योंकि तो अपने तक आएगा कि सबसे एक अस्थि बना जाएगा, ये जानेगा जरूर, आगे बन जाएगा जरूर। पर मैं ये नहीं हूँ इतना भी जान के आगे आ जाए, मैं ये नहीं हूँ तो भी वही है ज्ञान, जरूर तो जान रहा है आत्मा का जानने वाला, इसीलिए ऐसा ध्यान करवाते हैं ना, तो इसमें फंसना नहीं चाहिए। आने तो क्रोध बताएंगे तो आने देते, आने तो ठीक है, आने क्या दोगे तो आएंगे तो आते ही, इसमें आने कौन दे रहा है, तो आने दो इनको, तुम तो केवल देखते रहो, देखते रहे इस बंधु को लेते रहे, बोझमान मायलो जागृत ये मेरे बन गए क्रोधा जी को राय भगया कहीं जी सत्य साथ नहीं है तो फंसा होता हो तो आनंद को आता ऐसा आनंद तो उसके आ जाता है। प्राणायाम ये समाधि वाले लोग करते हैं जिसको हरियोग कहते हैं, योग में से नारियों की प्रक्रिया होती है, इंगला पिंगला सुषमना और पीड़ा, तीन प्रकार की चार प्रकार की होती है, युद्ध भी मेलमंड है, इसमें यहाँ रहती है। लेकिन साधना करता है इनकी जड़ साधना, शरीर जो चिंता है यहाँ से शरीर जो साधना, इनकी साधना करता है, इनकी कुंडलनी है, कुंडली कहते हैं वो कुंडली सुषुम्ना नारी, नारी के सारे सहारे यहाँ पहुँच जाते, यहाँ पहुँचते ही उसके कंठ में एक रथ बनता है। अब वो रथ कुछ सब जीते और कैसे ये बात से न्यारे प्रकार का होता है, तो वो उसको ब्रह्म रथ कहता है, ब्रह्मानंद कहता है, जड़ सारथ समूल जगह वहाँ के लोग अपने यहाँ भी ऐसा होता है। जब योगी शुक्ल ध्यान में पहुँचता है तो उसका विश्वास विश्वास यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से आने में जागृत करके फिर तीन दिन तक मालूम नहीं पड़े। हाँ, लेकिन वो मुनिराज की देश है, मुनिराज शुक्ल ज्ञान की देशा है, जो बहुत निष्कम होता है,
सब ये स्वतः अपने आप होती है, शरीर की क्रियाएं स्वतः अपने आप, वहाँ तो साधना ही इनकी होती थी, ये तो सीधी जल्दी साधना हो जाए अपने आप अपने आप हो जाए तो निष्कम खुश, क्योंकि अगम क्योंकि योग और योग दोनों ही कर्म के आगमन के विधि बन जाते हैं, दोनों स्थिर हो गए તારીખ 27 1999 ટેપ નંબર 1 માંથી કન્ટિન્યુએશનમાં આ તત્વ ચર્ચા છે. મંગલાચાર્ય જીવન કા સમ્યક દર્શન જરૂર કા તી સારી ભૂમિકા જ્ઞાન સાફ કરતા હૈ મંદે સે ઓર અજ્ઞાન દશા સે સબ શુરૂ હોતા સારા કા સારા. અજ્ઞાન દશા કે દો ભેદ જાનને ચાહીએ, જિસ મન કી એક વૃત્તિ તો એસી કે જો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન મેં આતી, मन के पांच इंद्रिय और मन के द्वारा अज्ञानी जो जानता है तो वो सारा इंद्रिय ज्ञान कहलाता है. इंद्रिय ज्ञान का अर्थ ये कि इंद्रियों के होने पर उनसे पृथक रूप से उनकी सहायता के बिना होने वाला जो ज्ञान है उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं. जैसे सितार वाला आदमी, अब आदमी सितार वाला होता है क्या? मैंने आदमी उसे कहते हैं जिसके पास सितार हो, लेकिन किसी के पास सितार है और वो सितार से गाता है तो गाता कंठ से है, कहते हैं सितार से गाता है. तो इस तरह इंद्रिय ज्ञान, मैंने इंद्रियों के होने पर वो ज्ञान कमजोर इतना है कि जैसे एक वृद्ध आदमी लकड़ी के बिना नहीं चल सकता, तो हम कहते हैं ये लकड़ी से चलता है. इसी तरह ये ज्ञान इंद्रियों से चलता है, ऐसा कहना इसका नाम व्यवहार है, कहना इसका नाम व्यवहार है, मानना इसका नाम मिथ्या. कहना मैंने भीतर विकल्प चलता है ज्ञान का, ऐसा ये आदमी लकड़ी से चलता है तो यू क्या बताता है कि कमजोर इतना है, पर लकड़ी को चलाती नहीं, जैसे उसमें अगर चलने की शक्ति ही बिल्कुल ना हो तो वो लकड़ी कैसे चलाई, गिर जाएगा वो तो लकड़ी कहां से उठाई, लेकिन उसमें ताकत है अभी चलने की और उधर लकड़ी का योग होता है, बस इतना मत. तो ये जो इतना जो भेद और अंतर है ये अकेले जैन दर्शन का गौरव है. और तो यही जानते हैं कि ये तो लकड़ी के सहारे चलता है और लकड़ी इसके सहायता देती है,
लेकिन जनरेशन तो खोजी है ना, एकदम सीआईडी की तरह से, तो और अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है कि अगर इसमें शक्ति नहीं तो देखें लकड़ी उठा दे इसको, दे दे इसको ताकत। जिस समय ये बिल्कुल चलने लायक नहीं रहेगा तो उस समय लकड़ी रहेगी साथ में इसके, लेकिन करेगी क्या? यही स्थिति इंद्रिय ज्ञान की है, इसलिए उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान सचमुच सारा अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय के दो भेद, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। पहले तो ज्ञान के मन से ज्ञान दशा के दो भेद बताएं, तो एक भेद ये बताएं कि इंद्रिय का सहारा वाला, हाँ। तो दूसरा इंद्रिय का सहारा वाला मतलब इंद्रिय के होने पर जो होता है, बस इतना मात्र। इंद्रिय सहारा तो कह सकते हैं अपन, सहयोग इत्यादि सारे शब्द आगम में भी आते हैं, पर कोई सहारा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल निगोदिया का ज्ञान भी निरपेक्ष होता है, भले ही वो अक्षर के अनंत में भाग है लेकिन वो बिल्कुल निरपेक्ष होता है, एकदम स्पर्शन इंद्रिय है वहां तो केवल, लेकिन वो बिल्कुल निरपेक्ष होता है। इंद्रिय उसके कोई सहारा नहीं देती, क्योंकि जड़ क्या सहारा देगा चेतन को? मैंने बिना पढ़ा लिखा वो किसी को पढ़ाएगा कैसे? जब कैसे पढ़ाए? तो जब उसमें ज्ञान ही नहीं है तो वो सहारा कहां से देगी? इंद्रियां, तो पांच इंद्रिय और मन, ये जो हृदय का मल वाला है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है तो ये कोई सहारा नहीं देते आत्मा को। तो दो प्रकार अपन ने किए ना कि ज्ञान के इसके दो भेद, कि अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान मैंने सारा ज्ञान अतीन्द्रिय, पहले तो ये बात जानने लायक, क्योंकि वो इंद्रिय की सहायता से होता नहीं। अब दूसरा ये कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो तो अन्य विषयों में ही व्यवसाय है उसका, अर्थात वो तो बहिर्मुखी रहता है आत्मा की तरफ। वो पांच इंद्रियां ये तो आत्मा की तरफ झांक ही नहीं सकती, इनका तो केवल पुद्गल ही विषय होता है। अब रहा मन, तो मन का विषय मूर्त और अमूर्त, पुद्गल भी होता है और ये बाकी जो पांच अमूर्त द्रव्य हैं, जीव धर्म अधर्म आकाश काल इत्यादि, ये सब उसके विषय होते हैं मूर्त और अमूर्त। तो उनमें केवल मूर्त को अमूर्त को जानने वाला वो मन होता है। तो मन, अब मन को अनिंदी भी कहते हैं मन को, क्योंकि इंद्रियों जैसा नहीं होता वो, तो मूर्त अमूर्त सबको जानता है, इंद्रियां केवल पुद्गल को, पुद्गल तक उनकी सीमा है। तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान में एक तो केवल बाहर के विषयों को मैं व्यवसाय करने वाला, मैंने उनको जानने वाला, और अतीन्द्रिय ज्ञान में अज्ञान दशा में जो सद्गुरु का उपदेश मिला और स्व तत्व को, स्वसत्ता को भली प्रकार अच्छी तरह स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में जाना और जानकर उसकी महिमा आई एकदम, क्योंकि सामने जो गुरु खड़ा है वो कह रहा है ना कि इससे महिमावंत, तेरे से महिमावंत, तेरे से महिमावंत पदार्थ जगत में दूसरा नहीं है। अनंत तीर्थंकर वो अपनी दिव्य ध्वनि में तेरे गीत गाते हैं, ऐसा उस अज्ञानी को आचार्य कहते हैं। अनंत तीर्थंकरों की वाणी वो दिव्य ध्वनि में तेरे गीत गाती हैं। कितना बड़ा है अज्ञानी अभी, पर उसको कह रहे हैं थोड़ी पात्रता है तो वो समझ जाता है अपनी महिमा को, और अपनी महिमा आती ही और उसकी चिंतन में उस पर स्वरूप स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि जो चैतन्य है वो केवल चिद रूप, चेतना रूप, चेतना सर्वस, चेतना जहां तक पसरी है बस उतना चैतन्य है, बाकी शेष सब सारे भाव राग द्वेष मोह आठ कर्म नो कर्म सारा जगत ये सब अचेतन है, उनमें आत्मा नहीं। इस तरह आत्मा का स्पष्ट स्वरूप जाना, उसके आकार प्रकार उसकी पर्याय वगैरह सब उससे बाहर हो गई, पर्याय भी बाहर हो गई, क्योंकि पर्याय भी उससे आत्मद्रव्य से मेल नहीं खाती है, वो नित्य है, वो तो अक्षीण है, बिल्कुल ये क्षीण है प्रति समय जाने वाली, और ये निर्विकारी है और वो विकारी भी हो जाती है, आत्मा की पर्याय वो तो विकारी भी हो जाती है, इसलिए वो पर्याय भी उससे बाहर रही।
तो ऐसी सत्ता का निश्चय किया और कृपा उसमें गुरु की, प्रसाद गुरु का है। ये सत्ता बताई कि एक ध्रुव जो शुद्ध है अत्यंत, ध्रुव होने के कारण आत्मा शुद्ध है और अशुद्धि का जो अवकाश है वो केवल दो विकल्प हैं उसके, कि पदार्थ अगर अशुद्ध हो तो कैसे हो सकता है कि एक तो उसमें परिणमन हो और एक किसी की मिलावट हो सके, और इन दोनों का निषेध है जगत में सवई द्रव्यों में। सारे ही द्रव्य अपरिणामी हैं, अपरिणामी अकर्ता नित्य है सारे ही द्रव्य, और दूसरा किसी की मिलावट उनमें कभी होती नहीं। जो विरुद्ध भाव है वे परस्पर भले ही उसकी पर्याय हो लेकिन वे मिलते नहीं। इस तरह उस अपरिणामी का ज्ञान हो, सही ज्ञान, और उसमें आकार प्रकार की तलाश न करे, जैसे कई क्योंकि इंद्रियों का व्यवसाय रहा ना, तो इसको तो आत्मा का तो कुछ तो दिखाई दे, दिखाई देना ये केवल चक्षु का धर्म है अकेला। तो पुद्गल में भी ऐसा स्वरूप है कि केवल वर्ण जो है वो चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है, बाकी जो विषय हैं तो उनको कहां हम आंख से देखते हैं। जैसे रसना का विषय है अपने जीभ का, तो स्वाद को हम आंख से देखा तो कौन सा रंग होता है उसका, ये कौन सा वर्ण होता है, अथवा कितना वजन होता है, कितना भारी होता है, कितना हल्का होता है, क्या होता है, पता लगता है कि उस वस्तु को तो देखते हैं उसका रंग, लेकिन उसका जो स्वाद है वो केवल रसना से जाना जाता है और आंख से नहीं जाना जाता। इसी प्रकार घ्राण, कर्ण और मन, इन सबके जो विषय हैं तो वो चक्षु से नहीं जाने जाते। इसलिए आत्मा को जो आंख से देखने की चेष्टा करता है वैज्ञानिकों की तरह, आज के वैज्ञानिकों की तरह लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि कुछ तो दिखाई देना चाहिए चिन्ह तो उसका, तो वो सब नास्तिक लोग हैं, उनकी नास्तिक संज्ञा है। असली नास्तिक संज्ञा ये है, क्योंकि पुद्गल में जब ऐसी बात है तो वो तो आत्मा तो अमूर्त है बिल्कुल, पुद्गल से भी अन्य प्रकार का है, तो उसको देखने आंख से दिखाई देने का कोई प्रश्न नहीं। और दूसरा ये कि जो आंख के बिना ही दिखाई दे उसे आंख से क्यों देखना, और उसे आंख से देखने की क्यों मैंने व्यर्थ का आग्रह क्यों करना, जो बिना आंख के दिखाई देता है लेकिन वो आंख कोई दूसरे प्रकार की होती है उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान से दिखाई देता है आत्मा अमूर्त होने पर। हम लोग भी मुमुक्षों में भी ये होता है, तो कभी भ्रम होता है जैसे किसी को ध्यान करने बैठ जाता है और वो कोई देखा तो सफेद 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 सा नजर आया कहते हैं, सफेद तो पुद्गल होता है आत्मा सफेद होता ही नहीं, अथवा कोई दूसरा, तो वो क्योंकि वो भीतर से उसका आग्रह रहता है कोई रंग, कोई तो रंग तो दिखाई देना चाहिए, तो उसका पता चले कि वो है कोई चीज, तो वो ऐसे पता लगाना चाहता है। पर वो ये नहीं पता लगाना चाहता कि ये जो नित्य हो रहा है प्रति समय, जो मैं जो जान रहा हूँ जानना हो रहा है, और हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ, हर जीव इससे इनकार कभी नहीं करता, तो ये कौन है। क्योंकि जहाँ कार्य होता है तो वहां पर कारण अर्थात वस्तु अवश्य होनी चाहिए, वरना कार्य कैसे होगा। अगर वस्तु नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी कोई, तो वहां पर परिणाम भी नहीं होगा, पर्याय भी नहीं होगी, काम भी नहीं होगा। इसलिए ये ज्ञान की पर्याय जो हो रही है तो ये स्पष्ट है, सुख और दुख जो होता है तो स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई इस पुद्गल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल से कोई न्यारा पदार्थ यहाँ विद्यमान है, और वो ज्ञान वाला होता है वो मैं हूँ, इस तरह निश्चय कर लेता है। अब ये कहे कि वो उसका कोई आकार आकार, तो आकार तो एक पर्याय है, इसलिए आकार देखने वाला पर्याय बुद्धि वाला अज्ञानी है मिथ्या दृष्टि, आकार का आग्रह करने वाला, और वो तो व्यंजन पर्याय है केवल, वो तो अनंत अर्थ पर्याय है सब है। और दूसरा क्या है कि आत्मा की सत्ता को इस तरह स्वीकार कर ले कि वो तो मात्र ज्ञान और आनंद जैसी अनंत शक्तियों का एक कोष है,
ऐसा स्वीकार कर ले और उसको महत्व आ जाए कि ऐसा तत्व मैं हूं, तो उसको स्वतः ही ज्ञान उस तरफ जैसे ढाल बन जाता स्लोप। स्लोप में भले ही गाड़ी में को बंद भी कर दे तो गाड़ी अपने आप ही लुढ़कती है। इस तरह ज्ञान अपने आप लुढ़कता है शुद्ध आत्मा की तरफ बिना पेट्रोल के। तब निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान का वास्तविक भेद, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान का मन इंद्रिय ज्ञान, उसका नाम अपन ने इंद्रिय ज्ञान रखा कि वो केवल बाह्य पदार्थों में व्यवसाय करता है।